हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो हमने पिछले वाले वीडियो में YouTube शॉर्ट सेक्शन का डिजाइन बनाया था उसका नेक्स्ट पार्ट बना रहे। तो आई होप आप लोगों को पता नहीं हो तो हम इस प्रोजेक्ट में ओनली YouTube का शॉर्ट नहीं, पूरा YouTube क्लोन बना रहे हैं डिवाइड कर करके। सबसे पहले YouTube शॉर्ट बनाएंगे, YouTube शॉर्ट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे क्योंकि YouTube में बहुत सारा पार्ट है एंड सबको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो यदि आप लोग सीखना चाहते बनाना चाहते, इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो का लिंक होगा, मीन डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो उस फर्स्ट वीडियो का लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हैं। चाहे फ्रेंड्स अगर आप लोगों को चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए एंड बढ़ते आगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम जो डाटा होता है, मीन इसमें जो वीडियो है, लाइक का जो डाटा है, वीडियो का यूजर नेम, थंबनेल और टाइटल जितना भी है, उसका एक क्या होता है, सर्वर से डाटा आता है, मीन API थ्रू डाटा आता है, उसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है, मीन एरे ऑब्जेक्ट होता है, उसमें किस टाइप का डाटा होता है वो हम इसमें डिजाइन करने वाले हैं। इसमें अभी बैकिंग का कोई नहीं, वो डाटा कैसा होता है उसको फ्रंट एंड में हम डिजाइन करेंगे। इसके हेल्प से जब हम इसका लास्ट में बैकिंग पार्ट जब बनाएंगे तो उसमें से जो सर्वर से डाटा आएगा उसका लगभग सेम लुक होगा, उसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। ओनली कनेक्ट करना, मीन ओनली फेच करना पड़ेगा डाटा को एंड ऑटोमेटिकली हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते अपनी कोड एडिटर में और वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट किस टाइप से दिखता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर हमने एचटीएमएल पार्ट बनाया था, CSS पार्ट कंप्लीट किया था एंड अब जावास्क्रिप्ट पूरा खाली है तो इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, मीन एक एम्प्टी एरे बनाता हूँ। तो कॉन्स शॉर्ट वीडियो डाटा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो एम्प्टी एरे है, एम्प्टी एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मीन ये वन वीडियो के लिए, ये अनदर वीडियो के लिए, ठीक है। तो अब इस ओनली वन में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिससे जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर मैं कम्प्लीटली बना दूँ, इस जस्ट डेमो के लिए, जैसे आप लोग सीख सकते हैं खुद से जो 20-30 जितने भी वीडियो डाउनलोड करके, इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी आईडी होता है, मीन ऑब्वियसली आईडी होता है क्योंकि जितने भी एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगी 1000-2000 सब में आईडी होगा, आईडी 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि सर्वर में ये आईडी ऑटो जनरेट होता है। उसके बाद इसमें क्या चाहिए, मैं स्प्लिट कर लेता हूँ एंड मेरा फायरफॉक्स लेफ्ट साइड मीन ब्राउजर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यूट्यूब में आ जाता हूँ एंड ये यूट्यूब का वीडियो है, मेरा ही चैनल का वीडियो शॉर्ट आप देख सकते हैं क्या है इसके बारे में। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये पूरा मान लीजिए ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर इसका आईडी दिया हुआ है 1 एंड उसका, उसके बाद इसमें क्या है आप लोग देख सकेंगे यहाँ पर वीडियो है, तो यहाँ पर वीडियो और URL S इसकल भी यानी कॉलन आता है एंड कोई भी लिंक जैसे मैं शॉर्ट वीडियो डॉट MP4, ठीक है। तो अभी मैं मैनुअली रख रहा हूँ क्योंकि कोई अभी मैंने वीडियो डाउनलोड नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट मैं ऐसे दिखाने के लिए रख रहा हूँ, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आप इसको कैसे रख सकते हैं, जैसे ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है शॉर्ट वीडियो नाम का, इसके अंदर मान लीजिए मेरा 20 वीडियो 30 वीडियो जितने वीडियो ना वीडियो है, अभी तो इतनी है, अभी कुछ नहीं है। तो मान लीजिए इसके अंदर है शॉर्ट वीडियो MP4, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक फोल्डर के अंदर रखा था, तो फोल्डर का नाम शॉर्ट वीडियोज फ्लैश एंड उसके अंदर डायरेक्ट है हमारा वीडियो, तो आप ऐसे इसका नाम रख सकते हैं। वीडियो हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजर का प्रोफाइल इमेज है, तो यूजर प्रोफाइल IMG, ठीक है। एंड प्रोफाइल इमेज क्या है, आप यहाँ पर अगर फोल्डर बना के रखेंगे तो सेम ऐसे फोल्डर का नाम, उसके बाद जो इमेज का नाम होगा वो, अभी मैं डायरेक्ट इमेज का नाम देता हूँ, आप जैसे स्ट्रक्चर करेंगे उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो user.png। उसके बाद यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम में ये रखो और कोड विद समिंग, आप लोग वहाँ पर एज द रेट देख रहे हैं वो आप डायरेक्ट जो यहाँ से डाटा लेंगे वहाँ पर मैनुअली रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सब में सब वीडियो में एज द रेट होगा होता ही है। सो कोड विद समीर मुझे यहाँ पर लिखना था। उसके बाद क्या है इसमें वीडियो का टाइटल, तो वीडियो टाइटल, ठीक है, तो वीडियो का टाइटल है टाइपिंग इफेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बनाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम यहाँ पर 20-30 जितने मीन 20 रहने देंगे, 40 बहुत ज़्यादा हो जाए, 20 इसको बनाने में मिनिमम 1 आवर लग जाएगा। कैसे, वीडियो डाउनलोड करो, इमेज का लिंक जनरेट करो,
बस अच्छा लगे उस टाइप से हम इसको सूटेबल करेंगे। तो इसमें ओनली मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ जिसके आपसे खुद आप ये डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद ये टाइटल हो चुका है, यूजर नेम प्रोफाइल हो चुका है एंड वीडियो का लिंक हो चुका है। उसका इसके अंदर आते हैं इसका क्या है वीडियो, सॉरी वीडियो लाइक मान लीजिए 1 to 2 20 मान लीजिए, दिस वीडियो डिसलाइक मान लीजिए 12 समथिंग डिसलाइक किया होगा। इसके बाद कमेंट, तो कमेंट कमेंट में आप लोग यहाँ 0 दिख रहा होगा बट अंदर जाने पर इसने कमेंट नहीं किया एंड जो जिसमें कमेंट हो तो ज़्यादा वाला कमेंट में चलते, तो ज़्यादा वाला कमेंट तो बड़ा करता हूँ एंड यहाँ पर ठीक है पॉपुलर इसमें चलते हैं, इसमें ज़्यादा कमेंट है एंड ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कमेंट में, आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल कमेंट है ठीक है। सो इसके जब ये मल्टीपल है तो इसके अंदर इन सबको एक ऑब्जेक्ट मानिए 1 2 3 ये भी एक एरे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कमेंट को भी एरे बनाते हैं, इसके अंदर जितने भी कमेंट्स है यूजर ने किया हुआ है सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं इसमें ओनली 1 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसमें आपका काम होगा तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए डाटा देख देख के कि सेम करना है या खुद के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या रखना है, ऑब्वियसली सबसे पहले आईडी 1 ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है आईडी 1 से होता है 1 2 3 इस टाइप से। उसके बाद कमेंट मैसेज, कमेंट मैसेज तो फर्स्ट में कमेंट मैसेज क्या दिया है दिस इज फायर। उसके बाद कमेंट का यूजर नेम, कमेंट यूजर नेम ठीक है, और यूजर नेम का नाम ही रख लेता हूँ। उसके बाद कमेंट का यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल ठीक है, तो यूजर प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट png और कुछ लाइक या लाइक के ही एंड डिसलाइक और कुछ एंड रिप्लाई कुछ आ जाएगा लाइक डिसलाइक कमेंट मैसेज डेट 8/2/0/24/11 इस टाइप से एंड डेट के भाई कुछ और 81 काउंट करके कुछ रखेंगे। डेट यहाँ आ चुका है माइनस करेंगे कि कब तक है अपन डिस्प्ले कराने 1 days 2 days 4 ago इस टाइप से एंड हो चुका है ठीक है। तो कमेंट इस टाइप से है, यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो 10 कमेंट है तो 10 ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस टाइप। देन उसके बाद क्या करना है, हमारा कमेंट हो चुका है उसके बाद शेयर पे क्लिक करते हैं इस टाइप से ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जो हम यहाँ से पठाए मीन्स यहाँ से भेजो, ऑब्वियसली इसको करेंगे डिजाइन सब करेंगे हम वैसे डाटा को फोकस करते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ठीक है एंड व्यूज भी है डेट भी है, ये सब किसके अंदर है, ये सब कमेंट के अंदर नहीं कमेंट के बाहर है, तो कमेंट के बाहर आएंगे एंड फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर है। तो सबसे पहले एक चीज़ छूट गया है वीडियो साउंड इमेज ठीक है, वहाँ साउंड था उसमें इमेज था एक, तो अगर सेम वीडियो का साउंड है तो सेम वीडियो एंड उसका इमेज रख देंगे तो इमेज नॉर्दर है तो उसका हम इसको मैनेज कर लेंगे। क्या इसमें डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में क्विक CSS लोडिंग एनिमेशन ठीक है यहाँ पर और HTML CSS टेक्स्ट ऑडियो #HTML #CSS #text ठीक है इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी डेट है तो इसका डेट भी 2/0/2/1 का वर्कलोड हुआ था 8 अक्टूबर ठीक है, तो जनवरी मार्च अप्रैल में जून जुलाई 10 अक्टूबर नवंबर अक्टूबर 10 10 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जनवरी फरवरी पढ़ रहा हूँ जनवरी ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा व्यूज, व्यूज इसमें कितना रखूँ 2258 ठीक है एंड इसमें तो 40 की है, हमने लाइक को यहाँ पर कम रखा होगा, लाइक्स कितना था
तो दूसरे वाले वीडियो में से और इसमें दूसरा इससे खुद को खुद से ही बनाना है, तो डमी डाटा होगा एंड वीडियो जो हम यूट्यूब से ही डाउनलोड करेंगे एंड एक दो वीडियो जो देखे उसका टाइटल वो इस टाइप से जो वीडियो डाउनलोड करेंगे उसी का कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक एजुकेशन पर्पज कर रहे उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पर हो चुका है सब चीज़, हम डाटा बना चुके हैं, एक बार रिव्यू करेंगे एंड खत्म। एंड इसमें जो के दिख रहा है इस के को हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब स्टोर करेंगे तो 4000 हम 400 करके स्टोर करते हैं API मीन सर्वर, उसको यहाँ पर लाने में 4K सब के बना सकते। तो हमारा डाटा इतना ही, ये भी हमने कर ही लिया है और साउंड और इसमें अब कुछ नहीं है, तो बड़ा करते हैं। तो देख लीजिए एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो चुका है, मान लीजिए 20 ऑब्जेक्ट है तो कितना बड़ा होगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें टाइम मैं दूंगा, खुद से यहाँ पर बनाए कंप्लीट करेंगे और आप लोग खुद से उसको कंप्लीट कीजिएगा, जिसके हेल्प से हम इसको अच्छे से बना सकेंगे। तो लास्ट एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसमें हम आई डी दिए हूँ वीडियो का URL, यूजर प्रोफाइल, यूजर नेम, वीडियो का टाइटल, वीडियो का लाइक डिसलाइक, कमेंट, मल्टीपल कमेंट्स होगा, जो साउंड इमेज और डिस्क्रिप्शन है, डेट है, लाइक व्यू है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़, कैसे डिस्प्ले करेंगे जावास्क्रिप्ट का डाटा टू HTML में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।